पान सेमल के बागोर गांव के ग्रामीणों ने पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों ने एक लिखित में शिकायत या आवेदन दिया है। ग्रामीणों ने आवेदन के जरिए जांच कर कार्रवाई कराने की मांग की है। ग्राम पंचायत बागोर के सैकड़ों ग्रामीणों ने पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय विधायक चंद्रभागा किराड़े को लिखित में शिकायत आवेदन सौंपा है। ग्राम पंचायत बागोर की पिछले 10 वर्ष में लोगों को किन किन योजनाओं का लाभ दिया गया, इसके साथ कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए। पंचायत में कोई पैसे नहीं आते, कोई नहीं आते, रान की भाई को घर कूटने जाता, मिल जाएगा बोलता, बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरा सब घर गिर गया, मेरा कोई नहीं, मेरा आदमी मर गया साहब, क्या बताओ तुमको। विधवा भाई है मैं। मकान प्रधानमंत्री योजना का जो मकान है, पीएम आवास मिला नहीं आपको? नहीं मिला। अच्छा, और पेंशन भी नहीं मिलती? नहीं, पेंशन मिलती है। मिलती है, हाँ मिलती है। ठीक है, और ये दीदी का नाम क्या है? जाम्बू भाई सुतारी। हाँ, जाम्बू भाई सुतारी। आपकी क्या समस्या है दीदी? विधवी भाई है। आप भी विधवा है? विधवा। अच्छा, तो आपकी समस्या क्या है? वो पैसे नहीं मिलते मंजूर के, मजदूरी के। हाँ, ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के। हाँ, मजदूरी नहीं मिलती? नहीं मिलती। कितना टाइम हो गया? कितना का? दो टाइम हो गया। पास है? पास। दस साल हो गए। हाँ। ये इसको सरपंच रहने को कितना टाइम हो गया वहाँ पे भाईगोर में? 10 साल 11 साल हो गया। 11-12 साल हो गया। 11-12 साल हो गया। अच्छा, ठीक है। और आप बताइए, आपका नाम क्या है? थान सिंह। क्या नाम है आपका? थान सिंह, थान सिंह पटेल। अच्छा, क्या समस्या है आपकी बताइए। वो पंचायत में जितने काम करवाए हैं, हाँ, वो काम अभी तक हमको लाभ मिला नहीं है। हाँ। और जहाँ जहाँ काम करवाया है वो काम अभी तक हमको देखे भी नहीं है। और पैसे बहुत निकल चुके हैं पैसे पंचायत से। अच्छा। जब बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं, वहाँ जब हमारे खाते खुले 2012 में, जो खाते खोलने के बाद अभी बैंक ऑफ इंडिया में हमको खाते दिए है, तो पूरे पासबुक खाली है। तो हमारे इतने 10 साल के पैसे जो सरकार ने हमको रोजगार दिया था, रोजगार के पैसे कहाँ गए हमारे अभी तक, ये पूछना है हमको। और प्रधानमंत्री साहब ने जो आप लोगों की सुविधा के लिए ये जो पीएम आवास दिए हैं, ये सबको मिले हैं वहाँ पर? जो 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 उसके फेवर में है वो उसको मिले हैं। हाँ। जो जो ऐसे लोग हैं उनको कहीं नहीं मिले हैं। जो जहाँ निवासी है उनको भी नहीं मिले हैं, जो निवासी नहीं है उनको मिल चुके हैं। अच्छा जी। हाँ। उसने भी पक्षपात किया? हाँ, पक्षपात किया है। रोजगार गारंटी की मजदूरी भी लोगों को देता नहीं? हाँ नहीं, 10 साल हो गए अभी भी रोजगार से वंचित है हम। अच्छा जी। जी, तो ये जो खाते खुले थे आपको इनकी जानकारी थी कि नहीं? बैंक खाते जानकारी है ना सर, हमारे पास पासबुक पड़ी है ना। अच्छा। हाँ। आज हमारे बाईगोर पंचायत के सभी प्रमुख कार्यकर्ता मेरे कार्यालय में मेरे से मिलने आए हैं। चूँकि उनकी बहुत सारी समस्या है पंचायत में, कुटीर की समस्या, विधवा पेंशन, रोजगार गारंटी, सारे चीज़ों में आज तक कार्यकर्ताओं को कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए वो उनकी शिकायत लेके आए हैं सरपंच साहब के, जो जिनका हक बनता है कार्यकर्ताओं का। उन्होंने कई बार मांगा सरपंच से, कई बार मांग की पंचायत की मीटिंग में मांग करी, लेकिन आज तक किसी को भी कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है। परेशान हो गए सब पंचायत के रहने वाले सभी भाई, इसलिए वो यहाँ मेरे से अपनी समस्या का गुब्बार फोड़ने आए हैं। आज मैंने उनकी समस्याओं को सुना है और कलेक्टर साहब को भी ये सारी बातों से अवगत कराऊंगी। समय आने पर यदि कलेक्टर साहब भी नहीं सुने तो हम सब मिलके कार्यालय में धरना देंगे, ये हमारी मांग है आज की तारीख में। ऐसी अनेक शिकायत लिखित में विधायक को सौंपी गई। उच्च स्तर से ग्राम हित में न्याय करने की मांग की गई। वहीं वंदे भारत के कैमरे के सामने बागोर के ग्रामीणों द्वारा बेबाकी से समस्याएं बताई गई। पानसेमल से ज्ञानेश्वर लाड़ की रिपोर्ट।